काका दाल पकवान भोपाल के सिटी की सबसे पुरानी दाल पकवान की दुकान है। इस दुकान को 43 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों की ये सबसे पसंदीदा दाल पकवान की दुकान है। यह भोपाल की सबसे फेमस दाल पकवान की दुकान कही जाती है, जहां पर दाल पकवान खाने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है। यहां पर दाल पकवान खाने लोग काफ़ी दूर दूर से आया करते हैं। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ का दाल पकवान बिल्कुल सिंधी तरीके से बनाया जाता है। आपको बता दें, दाल पकवान एक सिंधी डिश है जिसे काफ़ी पुराने समय से सिंध में बनाया और खाया जाता है। कहा जाता है कि सिंध के व्यापारी जब व्यापार पर निकलते थे तो उन्हें खाने तक का समय नहीं मिल पाता था, इस वजह से सिंध में दाल पकवान जैसी डिश का चलन शुरू हो गया, जिसे खाने के बाद लोगों को लंबे समय तक भूख नहीं लगती थी। तो चलिए इस दाल पकवान की खासियत जानते हैं और जानते हैं कैसे काका दाल पकवान की शुरुआत हुई थी। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम पंकज मोटवानी है जी। तो यहाँ पर जो दादा मेरे पिताजी जी काका दाल पकवान जी, ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? ये मेरे पिताजी के समय से 1980 से यहाँ पर है और हमें यहाँ 43 इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आगे भी चल रहा है। और यहाँ मॉर्निंग में हम लोग 10:30 बजे से, और 3:30 ही क्लोज हो चुका है हमारा आउटलेट जितना भी है। बस 1980 से हम लोग चलाते आ रहे हैं, फैमिली बिजनेस है हमारा। तो लोगों को यहाँ का दाल पकवान इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये दाल पकवान, एक तो पहला कस्टमर खुद बोलते हैं कि टेस्ट है और काफी समय से आ रहा है, और पापा के हाथ की ये चीज बनी आ रही है, लोग खाते आ रहे हैं, तो एक भरोसा भी उनको कि यहाँ पे अच्छा मिलता है, क्वालिटी मिलती है, चीज अच्छी मिल जाती है, और कम पैसों में उनको अच्छा उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो ये किस जगह पे लोकेटेड है ये ओल्ड सिटी जुमेराती पुराना कबाड़ खाना दयानंद चौक माशापुरा दरबार है, यहाँ पे गरीबों की सेवा होती है, इसके साइड में ही लगता है। और मतलब एक दिन में टोटल कितने कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास? 350 to 400 अप्रोक्स। और आप कितने रुपए के दाल पकवान बेचते हैं? 25 रुपीज का है हमारा दाल पकवान। तो लोगों को यहाँ के दाल पकवान में ऐसा क्या अलग लगता है जो यहीं पे आते हैं? ये पापा की बहुत सीक्रेट रेसिपी है जैसे चने की दाल बहुत ज्यादातर लोग नहीं चलाते हैं दाल पकवान में, हम लोग चने की दाल चलाते हैं, और पकवान में काफी मून की क्वांटिटी अच्छी होती है जिससे सॉफ्टनेस होता है, इमली की चटनी, हरी चटनी, प्याज मिर्च मसाला सबके साथ। तो आप अपने दाल पकवान में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? ये जो हम लोग मैदे का पकवान बनाते हैं, मैदा लगता है इसमें, सॉल्ट लगता है, मून लगता है, उसको प्रॉपर तरीके से गूंदा जाता है, और उसको बड़ी कढ़ाई में पूरी साफ साफ तरीके से उसको मतलब डीप फ्राई किया जाता है, उसको प्रॉपर उसका ऑयल निकाला जाता है। सबसे बड़ी खासियत हमारे दाल पकवान की ये है कि हमारे पकवान में ऑयल नहीं होता, बहुत रेयर ऑयल होता है, ज्यादा ऑयल नहीं होता, तभी यहाँ कस्टमर आना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उनको घबराहट नहीं होती पकवान खाने में। मोस्टली ज्यादातर ये ऑयल आइटम है तो आदमी इसलिए यहाँ आता है कि उसको ऑयल थोड़ा कम मिलता है, साफ सुथरा मिल जाता है, चने की दाल रहती है, इमली की चटनी, प्याज, हरी चटनी, मिर्च मसाले, सब जनरली मतलब सब साफ सुथरा होता है, तो इसलिए कस्टमर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि हाँ यहाँ साफ सुथरा है, और पहली बात तो भरोसा भी है पुराना पापा के समय का, इसलिए दाल पकवान थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये भोपाल की सबसे पुरानी दाल पकवान की दुकान, ओल्ड सिटी में, ओल्ड सिटी भोपाल में सबसे पहले पापा ने ही मेरे स्टार्ट करा था, शादनाबाद से ठेला चला के लाते थे, प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे लग गया है यहाँ पर। तो जैसे आप जो दाल पकवान लगा रहे हैं इतने सालों से, तो ये शुरू से यहीं पे दुकान लगती है? हाँ जी, इसके पहले थोड़ा सा पीछे लगता था, अब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चौपाटी लगने लगी तो यहाँ पे कर दिया गया। तो यहाँ पे मतलब आपने जो बताया था लॉयल कस्टमर्स के बारे में, तो यहाँ पे कितने सालों से लोग यहाँ पे दाल पकवान खाने आते हैं? मैं तो बहुत बाद में आया था, 13 साल से तो मैं संभाल रहा हूँ पापा का पूरा बिजनेस, और यहाँ पे अभी भी मेरे पास जो कस्टमर्स हैं 30 इयर्स 32 इयर्स 28 इयर्स 40 इयर्स से 35 इयर्स से तो यही खा रहे हैं जो बैठे हैं राजू अंकल, मतलब 35-30+ इयर्स तो नहीं हो गए। तो आपको यहाँ का दाल पकवान खाते कितना समय हो गया? 35-40 साल करीब हुए। यहाँ के दाल पकवान में ऐसा क्या टेस्ट मिलता है जो आप हमेशा यहाँ खाने आते हैं? ये तो हमने कभी सोचा नहीं, पर दूसरी जगहों से सबसे अलग हटके मिलता है और कम रेट में मिलता है, तो ऐसा लगता है जैसे अपन दाल पकवान खाले दिन भर खाने की इच्छा नहीं होती।
मतलब लगता है कि अपन ने कहीं होटल में जाते हैं 200 रुपए खाना खाया तो भी शाम को घर पे खाने की इच्छा होती है। ये कुछ कुदरती इसके अंदर बरकत टाइप की है। अच्छा, मतलब एक बार खाने के बाद दिन भर भूख नहीं लगती। इच्छा नहीं होती कुछ खाने की, मन हुआ तो खाया नहीं तो इच्छा नहीं होती। मतलब क्वालिटी है उसकी। इनके पिताजी के हाथ से खाते थे, जब इनकी मम्मी घर पे बनाती थी लेके आते थे वहाँ से, शाहजहाँबाद के रहने वाले लोग हैं तो उस जमाने में हम लोग घरों कस्टमर घर ही पहुँच जाते थे। वहाँ शुरुआत 8 बजे सुबह जब लग जाती थी वहाँ लाइन, तो फिर बाद में वो धीरे धीरे इन्होंने घर से दूर करा ये कारोबार यहाँ करा।